कह रहे हो तुम? मैं करता हूँ ना बात। आज ही करूंगा। मैं बाद में बात करता हूँ। आई मम्मी। अरे पापा, आज आप मेरे कमरे में? खैरियत तो है? क्यों, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे कमरे में? बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने जरूरी बात करनी है तुमसे। अच्छा, वैसे मुझे भी एक बात करनी थी आप लोगों से। श्योर बेटा, बोलो। नहीं, आप लोग पहले बोलो। वो एक्चुअली मैंने, बल्कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए फैसला किया है। फैसला पापा ने मेरे लिए? हैरत की बात है, पापा ने मेरे लिए सोचा। खुशी हुई मुझे। कहिए क्या फैसला किया है? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ने ना तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की। मामा, ऐसे कैसे आप लोग, मतलब मुझसे पूछे बगैर? मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ और यही बात मैं आप लोगों को बताने वाला था। देख लिया बेगम साहबा आपने, मैं ना कहता था कि तुम फेल हो गई हो बच्चों की तरबियत में। देख रही हो क्या कह रहा है आपका बेटा? इसने तो ऑलरेडी लड़की पसंद कर रखी है। हसीब, मैं बात करती हूँ ना, मेरी बात सुने। मामा, रहने दीजिए, चाहते हैं तो जाने दें। एक ही मतलब से आया तुझे पूरा नाम। बेटा, तुम भी तो हद करते हो। क्या जरूरत थी साफ साफ इनकार करने की? तो मामा, मैं और क्या करता? देखा नहीं आपने परी की शादी में क्या किया उन्हों? मुझे लगा वो मेरे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, इसलिए मैंने खुद अपने बारे में सोचा, एक लड़की पसंद कर ली। अब मुझे क्या पता था अचानक उनकी मोहब्बत जाग जाएगी और वो मुझे शादी का कह देंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हारे पापा को कैसे समझाऊं? वो पहले ही बहुत परेशान है अपना बिजनेस खत्म होने में। अगर उनकी ये ख्वाहिश है तो फिर। अच्छा, तो अब समझ आ गई मुझे सारी बात। मामा, मैं हादिया को पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उसे, और उसको धोखा नहीं दे सकता। और मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी, और पापा से भी अपोलोजाइज कर लूंगा। ठीक है बेटा, मैं करती हूँ तुम्हारे पापा से। हादिया, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मैंने बात कर ली। हाँ, मैं से किए। वैसे होना तो वही है जो मैं चाहूंगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम्हें फिर ऑफिस से आते आते 10 बज गए। हाँ, वो असल में कुछ जरूरी मीटिंग्स थी, इस वजह से लेट हो गया। मगर आप क्यों जाग रहे? तुम्हारा इंतजार कर रहा था बेटा। बाबा, आपको कितनी दफा मना किया मैंने, मेरा इंतजार मत किया करें, मेरी फिक्र मत किया करें आप। मैं सोच रहा था बेटा कि तुम आओगे तो साथ में मिलकर खाना खाएंगे। बहुत दिन हो गए बेटा तुम्हारे साथ गपशप नहीं की। पापा जरूर साथ खाना खाते हैं। असल में हादिया को छोड़ने गया था उसके घर, तो आंटी ने वहीं खाना खिला दिया। अच्छा, तो बहू को भी साथ ले आते ना? नहीं, वो असल में कुछ दिन तक अपनी मम्मी की तरफ ही रहेगी। खैर, आप खाना खा लीजिए और प्लीज अपनी मेडिसिन भी ले लीजिएगा, मुझे थोड़ा आराम करना है, काफी थका हूँ। सुबह मुलाकात करते हैं। बेटा,